Hello everybody, good morning. Welcome to Swastik Education Campus. We are going to standard 2, subject English, unit 4, part 1. आज हम टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले हैं यूनिट 4, पार्ट 1. एक छोटी सी पोयम है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. The rain is raining all around. It fall on fiddle and tree. It ran on the umbrella as her and on a ship at sea. ओके एक चार लाइन की छोटी सी पोयम है जिसमें बताया जा रहा है द रेन इज रेनिंग ऑल द राउंड मतलब चारों तरफ क्या हो रही है बहुत बारिश हो रही है इट रेन फॉल ऑफ फिडल ऑन एंड ट्री और जो बारिश की बूंदे हैं है ना रेनफॉल हो रही है वो कहाँ गिर रही है खेतों में और पेड़ों पर इट रेन ऑन द अम्ब्रेलाज हर और जब बारिश होती है तो हम किसका यूज करते हैं अम्ब्रेला का एंड ऑन शिप एट सी और जो जहाज है जहाज पर भी क्या हो रहा है जहाज किस पे चल रहा है समुद्र पे है तो बारिश में बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो चारों तरफ क्या दिखाई देती है बारिश ही बारिश दिखाई देती है और ये बारिश कहाँ गिरे खेतों में है ना पेड़ों के ऊपर और जब बारिश होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं अम्ब्रेला का और समुद्रों में भी पानी भर गया जिसके ऊपर क्या है शिप है ओके चलिए आगे देखते हैं फिडल फिडल मीन्स होता है खेत अम्ब्रेलाज अम्ब्रेलाज मीन्स छतरी शिप शिप्स मीन्स जहाज ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेयर डज द रेनफॉल रेनफॉल कहाँ कहाँ हो रहे हैं तो रेनफॉल कहाँ हो रहे हैं फिडल्स में और ट्रीज में ओके और ऑल अराउंड वॉट डू पीपल यूज वेन इट अम्ब्रेला सॉरी रेन्स जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज़ करते हैं तो आपको पता है रेनकोट और क्या यूज़ करते हैं अम्ब्रेला ये क्वेश्चंस जो है जिनके आंसर्स मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूँगी ओके व्हाट डू ऑन अ रेनी डे है ना व्हाट डू इट क्या होता है रेनी डे में तो क्या होता है रेनफॉल होता है बारिश आती है हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन और जब बारिश आती है तो आप अपने आप को सूखा रखने के लिए किसका यूज़ करते हो तो अम्ब्रेला का और रेनकोट का डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर क्या आपको पानी में खेलना पसंद है तो लगभग लगभग सभी बच्चों को बारिश में खेलना बहुत पसंद है सेव व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर है ना जब चारों तरफ बारिश होती है पानी सॉरी सेव व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर बारिश पानी में रहने वाले कौन कौन सी चीजें हैं उनके आपको नाम यहाँ पर बताने हैं ओके चलिए आगे देखते हैं हैव यू हियर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल है ना आपने क्या कभी जो रेनफॉल होता है उसकी बारिश की आवाज यहाँ पर आपको बतानी व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज और छतरी पर जो बारिश होती है ना उसका साउंड आपको यहाँ पर बताना है तो ये तो केवल सुनना है और आपको आंसर रिप्लाई करना है ओरली ओके व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री और जब पेड़ों पर और पत्तियों पर बारिश आती है तो कैसा साउंड होता है ये आपको क्लास में अपने फ्रेंड सर्कल में अपने टीचर्स के सामने आपको बताने व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो मेक ऑल दिस साउंड योर सेल्फ है ना और आपको बताना है जब आपकी खिड़कियों पर बारिश का बूंदे पड़ती है तो उस टाइम क्या होता है ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज यहाँ पर काउंटिंग क्लाउड्स मतलब बादलों की आपको काउंटिंग करनी है ठीक है कंप्लीट द स्टोरी एज वन अ लिटिल व्हाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे है ना एन अदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट कम लेट अस प्ले है ना तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बादल में एक दिन एक व्हाइट कलर का जो क्लाउड है ना क्या है आकाश में क्या हो रहा था एक क्लाउड मतलब बादल खेल रहा था तो वो क्या करता है एक अदर एक दूसरे बादल को अपने को अपनी तरफ खेलने के लिए बुलाता है तो कितने बादल हो जाएंगे टू एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस इन द स्काई सो ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड आस्क कैन आई ज्वाइन यू है ना और दोनों जो बादल हैं वो नीले आकाश में क्या कर रहे थे डांस कर रहे थे और वे तीसरे है ना किसी एन अदर मतलब और किसी थर्ड पर्सन को अपने डांस में ज्वाइन होने के लिए उसको
बुला रहे थे, उसको कह रहे थे क्या तुम हमारे साथ खेल सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमें, ऐसे करके, है ना। तो कितने बादल हो गए, 1, 2, 3 बादल हो गए। एज दे आर लिटिल क्लाउड हिडन हैंड इन द स्काई द वन बिलो अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय, है ना। और वे जो लिटिल क्लाउड्स थे तीनों के तीनों, वो अपने हैंड्स को स्काई की तरफ, आकाश की तरफ ये करके क्या कर रहे थे, खेल रहे थे और जोर जोर से आवाज कर रहे थे। और थी और एनी अदर एन अदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय, और वो जो लिटिल क्लाउड था तीसरे नंबर का, और जो एक और क्लाउड जो छोटा क्लाउड था जिसको बुला रहे थे, है ना, तो या उसको क्या करने के लिए बुला रहे थे, अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे थे। और जो हवा चल रही थी उसमें वो लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और वे ऐसे लग रहा था जैसे वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हो गए हैं। तो कितने क्लाउड हुए, 1, 2, 3, 4 क्लाउड्स। नेक्स्ट में एज फोर लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू एन अदर लिटिल क्लाउड ज्वाइंड देम वेरी क्वाइट क्यूटली टू, है ना। और इस तरीके से चारों लिटिल क्लाउड थे वे एक छोटे से और क्लाउड को अपने में ज्वाइन करते हैं, वो जो बहुत ही क्यूट था। नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड, तो कैसे लिखोगे, द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड आल्सो ज्वाइन देम प्ले ए डांस टूगेदर। अब यहाँ पर हमको पोएम को कंप्लीट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ क्लाउड सारे मिलकर क्या करने लगे, खेलने लगे और डांस करने लगे एक दूसरे के साथ। ऑन द नेक्स्ट पेज फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल, यूज अ पिक्चर एज क्लू, आपको पिक्चर्स यहाँ पर दिया गया है, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, जो ये किसकी पिक्चर है, स्नो की, ओके। ये किसकी पिक्चर है, वाइंड, जो तेज हवा चलती है। ये किसकी पिक्चर है, क्लाउड की, बादल की, है ना। ये किसकी पिक्चर है, तो लाइट की, LIGHT मैंने लाइट लिखा हुआ है। ये किसकी पिक्चर है, मून की। ये किसकी पिक्चर है, सन की। ये स्टार की। ये जो हवा चलती है गर्म, ये किसकी है, गर्मी की, हीट की। और ये किसकी पिक्चर है, डस्ट की, जो धूल उड़ता है। जब वाइंड चलती है तो क्या होता है, धूल उड़ता है, ओके। व्हाट डू यू कॉल दिस पिक्चर इन योर लैंग्वेज, नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश, है ना। यहाँ पर इंग्लिश के जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसको आपको अपनी भाषा में आप क्या बुलाते हो ये आपको बताना है। तो क्या बुलाते हैं, चंदा, हम चंदा मामा करके बुलाते हैं ना, किसको, मून को। बादल को आप क्या बुला, स्काई को आप क्या बुलाते हैं, बादल। सन को सूरज, स्टार को तारा करके हम बोलते हैं। चलिए राइडल टाइम, राइडल मीन्स पहले। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट वेदर इट कोल्ड और हॉट, है ना। मैं क्या हूँ, गो अप एंड डाउन, मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ ऊपर और नीचे आता, अ लॉट वेदर इट कोल्ड और हॉट, और मैं क्या हूँ, गर्म हूँ और ठंडा हूँ और गर्म हूँ। समटाइम आई एम ऑन द ग्राउंड, और कुछ समय के लिए मैं क्या होता हूँ, ग्राउंड में फैल जाता, ग्राउंड में रहता हूँ। अदर टाइम आई एम इज अ क्लाउड, और अदर टाइम मैं कैसा हो जाता हूँ, बादल बन जाता हूँ। माई नेम रेम्स विद डॉटर, आई एम योर फ्रेंड नेम, है ना। मैं क्या हूँ, इस जो पोयम है उसकी क्या हूँ, बेटी हूँ, डॉटर हूँ। आई एम योर फ्रेंड नेम, मैं हो सकती हूँ आपके फ्रेंड्स के नेम। तो ये कौन है, पानी। कौन है, पानी। वो क्या करता है, जब बारिश आती है तो वो डाउन करता है और भाप बनकर उड़ जाता है, तो अप करता है ना। वो कभी कभी जब गिरता है तो कैसा रहता है, कोल्ड रहता है, और जब बनकर उड़ता है तो कैसा रहता है, हॉट रहता है। और जब बारिश आती है तो कहाँ गिरती है, ग्राउंड में गिरती है, और फिर जब ग्राउंड से उड़कर ऊपर जाती है भाप बनकर, तो क्या बन जाता है, क्लाउड, बादल बन जाता है। और वो कह रहा है कि मैं इस पोयम की डॉटर हूँ, है ना।
तो क्या हूँ इस पोएम की बेटी हूँ। तो ये क्या है, एक लाइन दी गई है जिसमें आपको फन ब्राइडल मतलब पहली बूझनी है। ओके, लुक एट दिस फिश टैंक, राइट थ्री सेंटेंस ऑन व्हाट यू सी, ड्रॉ सम मोर कैरेक्टर्स इन दिस टैंक। आपको थ्री लाइन्स इस कैरेक्टर इस पिक्चर्स को देखकर लिखना है। तो क्या लिखना है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिश टैंक, है ना, ये जो टैंक है बहुत ही खूबसूरत है। देयर आर फोर फिश इन फिश टैंक, है ना, इस फिश में कितने फोर फिशेज जो है बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं और बाकी छोटी है। एंड टू फिशेज आर, है ना, स्टार फिशेज आल्सो सी मैन थ्री क्रेटर। तो यहाँ पर और जो छोटी छोटी फिशेज हैं और क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्टार फिश हमने बनाई हुई है छोटी छोटी। तो इस तरीके से आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करना है और यहाँ पर थ्री लाइंस। अब आगे देखिए, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, जो बारिश का पानी है वो कहाँ पर गिर रहा है, ये लड़का एक पोएम गा रहा है कि रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, बारिश का पानी कहाँ कहाँ गिर रहा है, घास पे और पेड़ों पे। एंड रेन ऑन द हाउस स्पॉट बट नॉट ओपन मी, है ना, और मेरे घर की कहाँ पर रुक गया है, टॉप पे पानी क्या हो गया है, रुक गया, बट नॉट ओपन मी, मैं पर उसको खोल नहीं रहा हूँ। आई वर्ड अवे डे प्ले आर रैमिंग वर्ड्स, नाउ कलर द वर्ड्स दैट रैम्स विथ, है ना, आपको यहाँ पर कलर्स दिए गए हैं, देखिए क्या, रेड और येलो और ब्लू, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउन, देखिए जिसमें आई एन वर्ड आया उसमें आपको क्या कलर करना है, रेड कलर, और जिसमें ओ डब्ल्यू एन आया है या ओ आया है उसमें आपको क्या करना है, येलो कलर, और ओ डब्ल्यू एन वाले में आपको येलो कलर और ओ टी वाले में आपको क्या करना है, ब्लू कलर। तो यहाँ पर देखिए आई एन वाले में आपको क्या करना है, जिसमें आई एन है उस सभी में आपको क्या करना है, रेड कलर, ओ डब्ल्यू एन, 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 ओ डब्ल्यू एन में आपको येलो कलर, और ओ टी, ओ टी, ओ टी, जहाँ जहाँ ओ टी है उसमें आपको क्या करना है, येलो कलर करना है, ए सॉरी ब्लू कलर करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। लेट्स राइट, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दी गई है, तो यहाँ पर देखिए जो पिक्चर्स, द शिप इज सेलिंग ऑन द, तो शिप जो है जहाज जो है किस पे चल रहा है, सी पे, समुद्र में। द फिल इन द ब्लैंक फॉल फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से क्या गिर रहा है, लैग, झरना गिर रहा है, है ना। द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, डक जो है वो कहाँ तैर रहा है, पॉन्ड में। द फ्रॉग लीव इन द, जो मेंढक है, मेंढक कहाँ है, नदी में है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर यूनिट फोर का पार्ट वन कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, इसी तरह जो मैंने कलर करने बोला है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।